आखिर क्यों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते ने कंगना रनौत की क्लास लगाई? कंगना ने ऐसा क्या कहा जिससे हो गई कंगना ट्रोल? पूरा मामला क्या है आइए आपको बता दें। दरअसल कंगना रनौत एक इंटरव्यू में कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए सुभाष चंद्र बोस से पक्षपात करने के आरोप लगा रही थी। इंटरव्यू में कंगना ने सुभाष चंद्र बोस को भारत का पहला प्रधानमंत्री बताया। इस पर एंकर ने कंगना से कहा कि बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री नहीं थे। इस पर कंगना ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, क्यों वो कहाँ चले गए, उन्हें गायब क्यों कर दिया गया। कंगना ने यह भी कहा कि एक बंदा जो अपना खून देकर हमें आजादी दिलाता है, जर्मनी जापान से मिलकर युद्ध करके हमें आजादी दिलाता है, वो हमें एक आजाद देश घोषित करते हैं, उन्हें भारत में लैंड नहीं करने दिया जाता। जो लोग जेल में टेलीविजन देखते थे वो सरकार चलाते हैं। मेरे पास सबूत हैं कि वो यानी कांग्रेस नेता लोग ब्रिटिश सरकार का एक्सटेंशन थे। जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस कंगना रनौत का नाम लिए बगैर उन्हें नसीहत दे डाली। चंद्र बोस ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि अपने राजनीतिक मकसद के लिए इतिहास न बिगाड़े, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी को फॉलो करना ही उन्हें सम्मान देना होगा। नेहरू और कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए नेताजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बोस चंद्र कुमार ने लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक राजनीतिक विचारक, सैनिक स्टेटमैन, दूरदर्शी और अविभाजित भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वो इकलौते ऐसे नेता थे जो भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए भारत के सभी समुदायों को एकजुट कर सके थे। नेताजी के प्रति वास्तविक सम्मान उनकी विचारधारा को फॉलो करना होगा। चंद्र ने यह भी लिखा कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इतिहास को मत बिगाड़िए। चंद्र बोस ने यह भी कहा कि नेहरू और कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए नेताजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बेहद आपत्तिजनक है। नेताजी दो दशकों तक नेहरू, गांधी और चितरंजन दास के साथ कांग्रेस में थे। नेताजी और नेहरू के बीच मतभेद थे, फिर भी वो एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो नेताजी ने आजाद हिंद फौज की ब्रिगेड का नाम नेहरू और गांधी के नाम पर नहीं रखा होता। इधर कंगना के इस बयान के बाद विपक्ष भी हमलावर दिखे। कुछ विपक्षी नेताओं ने कंगना रनौत पर उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे केटी रामा राव ने बिना नाम लिए एक्स पर बीजेपी उम्मीदवार का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि उत्तर से एक बीजेपी उम्मीदवार का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस हमारे पहले पीएम थे, और दक्षिण से एक अन्य बीजेपी नेता कहते हैं कि महात्मा गांधी हमारे पीएम थे। इन सभी लोगों ने कहां से ग्रेजुएशन किया है। कंगना यही नहीं रुकी, आलोचनाओं के बाद कंगना ने एक्स पर एक लेख का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्हें ट्रोल करने वालों से इतिहास पढ़ने की नसीहत दे डाली थी। इस लेख में कहा गया था कि नेताजी ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार बनाई और खुद को पहला प्रधानमंत्री घोषित किया था। कंगना ने पोस्ट कर कहा कि अगर मैं आपके IQ से बहुत आगे बोलती हूँ तो आप मान लेते हैं कि मुझे जानकारी नहीं होगी, बल्कि ये मजाक आप पर है और ये बहुत ही घटिया है। आपको बता दें कि इन दिनों कंगना चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। भाजपा ने उन्हें हिमाचल के मंडी से उम्मीदवार बनाया है। खैर, कंगना के स्टेटमेंट से आपकी क्या सोच है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।